सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम पे फैक्ट पेज के लिए डिज़ाइनिंग कैसे बना सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, जो हम फैक्ट पेज के ऊपर पोस्ट डालते हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग या फिर टेम्पलेट हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ या आईफोन के साथ कैसे बना सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को देखना पूरा, क्योंकि मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। एक भी पार्ट मिस मत करना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं पीबीएक्स चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लें। यहां पे आपने करना क्या है, इसे ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद ये रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो यहां पे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह या साइनिंग वगैरह कर लेना। उसके बाद दोस्तों, आप यहां पे ऊपर देख सकते हैं काफ़ी तरह की टैब्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने यहां पे करना क्या है, सोशल मीडिया टैब्स पे क्लिक करना है और उसके बाद इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने काफ़ी तरह की टेम्पलेट आ जाएंगी, काफ़ी तरह की यहाँ पर टेम्पलेट आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमने अपना खुद का डिज़ाइन जो है, टेम्पलेट डिज़ाइन वो तैयार करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, ब्लैंक डिज़ाइन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी तरह की फ़ोटोज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपने फोर्थ नंबर वाली फ़ोटो को जो है वो उठा लेना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग होगा। लोडिंग हो जाने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, आपने करना क्या है, यहाँ पे आप सबसे पहले ओके कर दें। ओके हो जाने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इसका कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे काफ़ी तरह आपके आपको यहाँ पे कलर मिल जाएंगे, आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे येलो कलर, ये वाला। उसके बाद दोस्तों, आपने इस इमेज को जो है यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना है। कहने का मतलब यह है, इसकी आउटलाइन आपने यहाँ पे इस तरीके से बना लेनी है। तो इसको मैं इस तरीके से जो है नीचे से भी छोटा कर देता हूँ यहाँ तक। तो नीचे से हमें छोटा क्यों करना पड़ा, क्योंकि नीचे हम जो है टेक्स्ट लिखेंगे, इसीलिए हम नीचे से छोटा कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, आप ये देख सकते हैं इसकी सारी की सारी आउटलाइन यहाँ पर बन चुकी है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एलिमेंट्स का ऑप्शन है, एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करना है। शेप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक बॉक्स जो है वो उठा लें, यहाँ पे क्लिक करें, ये बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद इसको इस तरीके से छोटा करें और यहाँ पे इसको भी पूरा पूरा आउटलाइन के अकॉर्डिंग फिट कर दें। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको फिट कर दें। तो ये देखो प्रॉपर हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर से भी कर लेते हैं इस तरीके से। अभी इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल कलर है, फिल कलर पे क्लिक करें और इसका कलर जो है यहाँ पे आप अपने कोडिंग ब्लैक या जो भी करना चाहते हैं वो कर दें। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया और ये हो चुका है हमारे टेक्स्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों, आप दोबारा एलिमेंट्स पे जाएं। एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे कैप्सूल वाला जो बॉक्स है वो उठा लें। तो यहाँ पे ये उठा लिया हमने, इसको हम इस तरीके से छोटा करेंगे और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बीच में जो है वो फिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रोक कलर का ऑप्शन है, स्ट्रोक कलर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका आउटलाइन जो है वो ले लें। तो हमारा आउटलाइन यहाँ पे क्या है, येलो है, तो यहाँ पे हम येलो लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक पे जाएं, इसकी यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ जो है वो बढ़ा दें इस तरीके से। तो यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ जो मैंने बढ़ा दी है। उसके बाद आप दोबारा एलिमेंट्स में जाएं। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये वाला जो है बॉक्स मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा टेढ़ा बॉक्स है ये। इसको यहाँ पे इस तरीके से छोटा हम पहले कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम बीच में इसको फिट कर देते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा दें
इसकी विड्थ जो है थोड़ा सा बढ़ा दें इस तरीके से। ठीक है जी, ये हमारा टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट डिज़ाइन जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बीच में टेक्स्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ये लोडिंग होगा और आपके सामने काफ़ी तरह के टेम्पलेट वाले टेक्स्ट जो हैं, जिसे हम फॉन्ट कहते हैं, वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है फॉन्ट, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी एक फॉन्ट ले लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फॉन्ट लेके आपको दिखा देता हूँ। ऐड हेडलाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डबल टैप करते हैं। डबल टैप करने के बाद इसको आप कट कर दें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो फैक्ट चैनल है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डू यू नो। तो यहाँ पे डू यू नो लिख दिया हमने और यहाँ पे बैक कर दें और इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं हम। और इसको यहाँ पे इस तरीके से हम अपनी स्क्रीन के बीच में जो है वो लगाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा आप इसका बॉक्स का जो साइज है वो इस तरीके से छोटा कर लें अपने फॉन्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। और यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करें। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे। ये रहा फॉन्ट्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला फॉन्ट्स है, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है तो हम यही ले लेते हैं। इसको हम बीच में कर लेते हैं और इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये नीचे से हिल गया। सो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है डू यू नो अबाउट। आप इसको प्रॉपर बीच में कर दें, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ऊपर वाले बॉक्स में भी आप अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम डाल दें। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम। इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं, डबल टैप कर देते हैं। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं @PeepJack। अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया अकाउंट, तो फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं काफ़ी अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप फॉन्ट पे क्लिक करें। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद इसका भी कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लें, जैसे कि ये वाला रिया या फिर कोई और ले लें, ये भी अच्छा है। सेम फॉन्ट यहाँ पे हो जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी, ये आ चुका है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना टेक्स्ट डू यू नो के नीचे। मान लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डबल टैप किया मैंने यहाँ पे, प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर मोर अपडेट। तो यहाँ पे फॉर मोर अपडेट्स मैंने लिख दिए। यहाँ पे कलर हम ले लेते हैं वाइट और इसको हम कर लेते हैं इस तरीके से छोटा और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट एलिमेंट्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको सेंटर में कर दें इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना, तो आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, येलो कलर जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और अभी उसके बाद अगर आप यहाँ पे इमेज जो है वो लगाना चाहते हैं, तो सिंपल सा आपने करना क्या है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा रिप्लेस इमेज। तो यहाँ पे रिप्लेस इमेज पे क्लिक कर दें। तो आप चाहें यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इमेज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी, कुछ पेड है, या फिर आप अपनी गैलरी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ही यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। तो कोई यूट्यूब रिलेटेड हम ले लेते हैं, हाँ, तो ये मैंने ले लिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो इंस्टाग्राम का पोस्ट है बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारा ऊपर नाम आ चुका है इंस्टाग्राम का पेज का,
और नीचे हमारी इमेज आ चुकी है और बीच में हमारा ये आ चुका है ड्यू नो और नीचे हमारा टेक्स्ट आ गया जो इमेज के बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो बीच में लिख सकते हैं। उसके बाद इमेज रेडी होने के बाद दोस्तों आपने सिंपल से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब भी आपने क्या करना है, इसको हम यस कर देते हैं, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आप जब भी इमेज बनाओगे दोबारा पोस्ट बनाओगे तो आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या होगा, आपने यहाँ पे माय प्रोजेक्ट में जाना है। माय प्रोजेक्ट में आपका ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे आपने बस करना क्या है, इस पर डबल टैप करना है इमेज के ऊपर। तो थोड़ा सा ये लोडिंग हो रहा है, तो डबल टैप करने के बाद यहाँ पे वही चीज़ आ गई, रिप्लेस इमेज। तो यहाँ पे आपने इमेज को रिप्लेस कर देना है और अपने टेक्स्ट को रिप्लेस कर देना है और दोबारा से यहाँ से फिर आप डाउनलोड कर लेना, आपका नेक्स्ट पोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जो ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट डिज़ाइन दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आपने वहीं से क्या करना है, माई प्रोजेक्ट में जाना है। माई प्रोजेक्ट में जाने के बाद ये सारी चीज़ें चेंज कर देनी है, आपका नेक्स्ट पोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं फिर मिलूंगा एक्साइटेड वीडियो में साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, खुदा हाफिज़।